देखिए आज एडीजी ट्रैफिक सर हेडक्वार्टर से आए हैं और मेन मकसद था कि आगरा में जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनके बारे में पता करना और जो यहां पे ट्रैफिक कंजेशन रहती है वो किन कारणों से रहती है, मैन पावर जो डिप्लॉयमेंट है मैन पावर की वो क्या पीक आवर्स के हिसाब से हो रही है, डायनेमिक मैन पावर एम्प्लॉयमेंट हो रही है या फिक्स डिप्लॉयमेंट हो रही है यहां पे ट्रैफिक के, और जो ट्रैफिक के संसाधन है उनका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, जो हमारे आईटीएमएस स्मार्ट सिटी का आईटीएमएस है उसको किस तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं और उसको और किस बेहतर तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, उन सभी बिंदुओं पे आज यहां पे बात हुई है। और आने वाले समय आपको पता है कि काफी कोहरा ऑलरेडी बढ़ गया है और आगे सर्दियां हैं, तो जितने हमारे स्टेट हाईवेज हैं, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, जितने हमारे एक्सप्रेसवेज हैं और नेशनल हाईवेज हैं उस पर कैसे हम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करेंगे, किस तरह से स्पीड को कंट्रोल करेंगे और इसके अलावा ड्रंकन ड्राइविंग पे और अन्य जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं उसको किस तरह से कंट्रोल करना है और किस तरह से इफेक्टिव ढंग से उसको प्रोजेक्ट करना है और उनको इन्फोर्स करना है, और बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जैसे एडीए है या हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी है या एक्सप्रेसवे की हमारी अथॉरिटी है, उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके जो साइंस हैं, साइनेजेस हैं, बोर्ड्स हैं या जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको कैसे हमें नॉर्मलाइज करना है और वहां पे हमारी डिप्लॉयमेंट किस हिसाब से हो ताकि हम मिनिमम एक्सीडेंट्स पे जाएं और एक अच्छा कट डाउन पर एक्सीडेंट, पहले तो हमारे एक्सीडेंट्स कम हो और एक्सीडेंट्स के साथ साथ फिर एक्सीडेंट्स के बाद जो गोल्डन आवर हमारे पास है उसमें किस तरह से हमें एम्बुलेंसेज के साथ कोऑर्डिनेट करके, पीआरवीज के साथ कोऑर्डिनेट करके और लोगों को बचाना है, डेथ्स बचानी है ताकि हमारे एक्सीडेंट्स फेटल ना हो, पहले एक्सीडेंट्स कम हो और एक्सीडेंट्स जो हो वो फेटल ना हो और नियरेस्ट